क्वेश्चन सीरीज इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू चूज द करेक्ट आंसर ओके, सो ये आपका एक न्यू uh, ऑप्शन है ठीक है एंड स्ट्रेटेजी uh, वही है कि आपके माइंड uh, में डिफरेंट डिफरेंट वेज से क्या करना है बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको इजी करके आपको अंडरस्टैंड करवाना है ठीक है तो क्वेश्चन से भी बहुत हेल्प होती है यू गेट टू नो कि किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है एंड जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो किस तरीके से आपके एग्जाम uh, में रहते हैं अ वेरी गुड इवनिंग अतुल एंड अजय वेरी गुड इवनिंग एवरीवन गाइज एंड हुज वाचिंग दिस सेशन आल्सो ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले अजय बरिया अ वेरी गुड इवनिंग सो हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन

जो उसका इकोनॉमिक पार्ट होता है दैट इज द केन पोर्शन यानी उसका स्टेम होता है जो ठीक है उस स्टेम को सस्टेन करने के लिए आपकी जो होती है ओनली एट टू टेन लीव्स हेल्पफुल रहती है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और जो भी आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है फॉर दैट ओके इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है शुगर केन के रिगार्डिंग uh, आपकी बात की जा रही है एंड वी हैव आंसर्स ऑलरेडी एग्रीकोस ने संदीप अतुल सचिदानंद अजय बरिया एंड अजय राज ठीक है ओके अजय बरिया ने लिखा है ऑप्शन डी एंड ही डिलीटेड बाकी जिनके भी मैंने नाम लिए दे ऑप्शन ए ओके ए यानी डी ट्राशिंग ठीक है चलिए अजय बरिया ने भी अपना आंसर दिया है एज एंड ऑप्शन ए चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या है राइट आंसर इज डी राशि ठीक है डी ट्रैशिंग इसमें दो वर्ड्स हैं गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड दी टर्मिनोलॉजी अगर आपको कोई भी जब बोला जाता है टर्मिनोलॉजी ठीक है घनश्याम का आंसर आया है हरप्रीत का आंसर आया है सो गाइस व्हेन वी से टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी क्या होती है यानी टर्म से रिलेटेड जो भी टर्म होगा ठीक है वो उस जो डिफाइन उसकी डेफिनेशन होगी उससे रिलेटेड ही रखा होगा भाई आपका नाम रखा जाता है ठीक है तो ऐसा नहीं होता है आपका निकनेम क्या होता है आपकी कुछ हॉबीज हैं या आप क्या है थोड़ा चंचल हैं इस तरीके से आपके नाम निक नेम पढ़ते हैं राइट वही टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है इफ इट इज सेम डी ट्राशिंग यानी ट्राश को डी मतलब अलग करना ठीक है उस तरीके से ये बात है तो ट्राश किसे कहा गया है जो आपकी एक्स्ट्रा लीव्स हैं शुगर केन में जिनका कोई काम नहीं है जो आपकी कोई काम यानी कि वो ओनली जो uh, क्या है फूड मटेरियल है प्लांट का उसको कंज्यूम करेंगे जो uh, जिससे क्या होगा हमारा जो स्टेम uh, है इकोनॉमिक पोर्शन है किसका इंटरनोट जिसमें होती है शुकर्न का उसकी क्वालिटी को कम करेंगे राइट तो हमें उन लीव्स की जरूरत नहीं होती है इसलिए इसमें डीट्रैशिंग कर दी जाती है अर्दिंग अप की बात करें तो ये आपका क्या होता है अर्दिंग आप यानी आप इसके टर्म से ही देख सकते हैं कि क्या करना थोड़ा सा सॉइल को लूज कर देना अराउंड रूट्स ओके प्रॉपिंग आपकी जो होती है इसका जो मैकेनिज्म होता है इनको हाई विंड से क्या करना प्रोटेक्ट करना ताकि जो इसको मैकेनिकल डैमेज ना हो इसके प्लांट को क्योंकि इनकी हाइट होती है ठीक है तो ये अपना इनको मैकेनिकल डैमेज ना हो इसलिए इसकी प्रॉपिंग कर दी जाती है इनको टाई कर दिया जाता है इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं एक आपके ग्रुप इस तरीके से क्या किया है प्लांट्स को टाई कर दिया गया है ताकि इनकी एक स्ट्रेंथ बन जाए यूनिटी बन जाए एंड इनको हाई विंड से इनका ब्रेकरेज ना हो ठीक है

आप यहाँ पे चार्ट सेशन में लिखिए आंसर uh, ये है आपका ऑप्शन ए उन्होंने लिखा है एंड and... सचिदानंद नंद ने भी लिखा है ए uh, संदीप एंड अतुल हैज आल्सो आंसर्ड एज ए अतुल प्रवीण एंड अजय बरिया ओके okay. तो सभी ने लिखा है ऑप्शन ए हरप्रीत भी लिख रहे हैं ऑप्शन ए एंड शैलेंद्र घनश्याम एंड मोहम्मद ने भी लिया एस ए आपका राइट right आंसर क्या है अजय राज भी लिख रहे हैं ए ईश्वर भी लिख रहे हैं ए आपका जो राइट right आंसर है दैट इज योर हैंड इस तरीके से कुछ दिखता है आपका हैंड एंड इससे आप रिफ्रैक्ट्रोमी जो शुगर केन प्लांट होता है उसमें क्या होता है उसके जूस की क्वालिटी देखी जाती है इफ इट इज प्रिपेयर फॉर हार्वेस्टिंग और नॉट ओके अलीना ने भी लिखा है ऑप्शन ए दैट इज योर हैंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर एंड इट इज करेक्ट आंसर ओनली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिमम मीन डेली रिक्वायरमेंट फॉर दी पोटैटो क्रॉप अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिमम मीन डेली टेम्परेचर ठीक है इसको ध्यान से पढ़ना है प्लांट ग्रोथ नहीं है किसी पर्टिकुलर स्टेज के लिए नहीं है ओनली पूछा गया है ऑप्टिमम मीन डेली टेम्परेचर ठीक है ऑप्टिमम मीन एंड डेली टेम्परेचर की बात हो रही है कितना रिक्वायर्ड होता है फॉर पोटैटो क्रॉप 10 टू 15 डिग्री डिग्री और टू एट डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू यू आप इसमें से देखिए आपको समझ आता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में एंड देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन इन दॉक्स ओके

ईश्वर ने लिखा ई एंड संदीप लिख रहे हैं संदीप मनीषा अजय एंड हैज आंसर्ड एज ऑप्शन डी ओके तो मिक्स मिक्स आंसर आए हैं चलिए वन को तो कैंसिल कर देते हैं होपफुली आपका इस पे कोई डाउट नहीं है या आ, आउट है इससे ठीक है टेम्परेचर की रेंज से राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओके About new, uh, soul ने भी लिखा, option number D, and Muhammad भी लिखा लिख रहे हैं जो कि आपका है 18 to 20 सेल्सियस ठीक है तो पोटैटो के लिए ऑप्टिमम मीन डेली टेम्परेचर ठीक है आपको लैंग्वेज देखनी कि पूछा क्या जा रहा है कीवर्ड में क्या लिखा हुआ है हरप्रीत भी लिख रहे हैं ऑप्शन ई ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान रखना है कि आपसे क्रॉप की ग्रोथ के लिए नहीं पूछा है कि आपकी पूरी क्रॉप की क्या होती है साइकिल के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर यहाँ पे पूछ रहे हैं मीन डेली टेम्परेचर ठीक है पोटैटोज आर स्टेम ट्यूबर्स एंड लार्ज थिकन टू डेवलप इन टू स्टोरेज ऑर्गन ठीक है पोटेडोज होते हैं आपके स्टेम ट्यूबर्स होते हैं एंड लार्ज स्टोलन उनका जो होता है थिकन टू डेवलप इन टू स्टोरेज ऑर्गन ठीक है ये उसके जो आप कंज्यूम करते हैं पोर्शन उसके बारे में बताया जा रहा है ट्यूबर ग्रोथ इज शार्पली इनहिबिटेड वैन बिलो डैश टेम्परेचर एंड अबव डैश टेम्परेचर ठीक है पूछा जा रहा है कि जो ट्यूबर होता है जो इकोनॉमिक पार्ट है इसका ठीक है जो इकोनॉमिक पार्ट है इसका उसके लिए ट्यूबर ग्रोथ इज शार्पली इनिबिटेड मतलब आपकी जो ट्यूबर ग्रोथ है वो बिल्कुल इनहिबिट हो जाएगी कब जब बिलो टेम्परेचर कितना जाएगा एंड अब टेम्परेचर कितना जाएगा ठीक है तो इसके इसके लिए आपका जो भी अकॉर्डिंग टू यू राइट आंसर है वो आप चैट uh, बॉक्स में लिखिए

साइकिल आप पूछ रहे हैं कि टोटल uh, जो उसका क्या होता है ग्रोथ पीरियड होता है राइट ग्रोथ पीरियड के लिए आप पूछना चाह रहे हैं तो उसका टेम्परेचर जो रहता है uh, किसका पोटैटो uh, का ठीक है वेजिटेटिव uh, जो ग्रोथ पीरियड रहता है उसका उस टाइम पे उसका 24 डिग्री सेल्सियस सबसे सुटेबल सबसे बेस्ट ग्रोथ जो होती है उस टाइम पे होती है पोटैटो की ठीक है वेरीज आप आ, ट्यूबर ग्रोथ की बात करें तो मीन डेली हमने इसकी बात दी है कि 18 टू 20 सबसे सुटेबल रहता है अगर आपके पास ओनली वन डिजिट में पूछा हुआ होगा वन डिजिट यानी कि आपका एक रेंज नहीं कोई पूछी होगी तो 20 डिग्री सेल्सियस विल बी राइट आंसर ठीक है एंड आपका पूरी क्रॉप ग्रोथ के लिए बात करें देन इट विल बी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ओके पूरी पोटैटो uh, की ग्रोथ की बात करें कई बार आपको 25 भी मिलेगा आपको अकॉर्डिंग टू आंसर जो होगा अगर आपके पास ऑप्शन में 20 टू 25 रेंज दी हुई होगी देन इट विल बी करेक्ट और आपके पास ऐसे ऐसे रेंज नहीं आएगी कि 20 टू 24 डिग्री सेल्सियस या इन दोनों में आपके पास कभी चॉइस नहीं आएगी बिकॉज एग्जामिनर ऑल्सो नो कि ये क्या होती है ये वेरिएबल्स होती है अगर रेंज दी हुई होगी तो आपको या तो 25 तक पूछा होगा या आपको 24 तक पूछा होगा इतना ज्यादा कोई कंफ्यूजन मत रखना इसमें ठीक है कि मैम अगर ये आ गया ये भी पूछ लिया एग्जामिनर में ऐसा नहीं होता है अगर आपसे पूछा जाएगा रेंज ठीक है जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं दपोंग मैथड हमने पढ़ा था राइस में ठीक है उसमें क्या होता है सीडलिंग नाइन टू ट्वेल्व डेज में आपका प्रिपेयर हो जाता है ट्रांसप्लांट के लिए ओके okay. तो यहाँ पे आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आ, क्या है ऑप्शन अगर आ, आपके पास आएंगे तो इस तरीके से आएंगे फाइव डेज सेवन डेज टेन डेज ठीक है फोर डेज टेन अगर इसके बीच की एक रेंज आ गई है तो वो दूसरा नंबर नहीं उस रेंज के बीच का देंगे ठीक है इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ तो आप देख लीजिएगा जहां पे भी रेंज आएगी वहां पे आपको इस तरीके से आंसर करना है ठीक है फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव आंसर लेट्स सी अजय विष्णु ने ऑप्शन नंबर डी लिखा है ठीक है एंड अतुल ने लिखा है ऑप्शन नंबर ई अबाउट न्यू सोल लिख रहे हैं ऑप्शन डी एंड नीतीश ई हरप्रीत डी सचिदानंद ने ई दिया है आंसर एंड मोहम्मद ने लिखा है डी अजय बरिया भी लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी एंड एग्री कोस ने लिखा है ऑप्शन नंबर बी वी हैव अ डिफरेंट आंसर आल्सो सो तीन आंसर हमारे पास हो गए हैं तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं ठीक है ईश्वर लिख रहे हैं ऑप्शन बी ओके अबाउट न्यू सोल ओके ठीक है घनश्याम लिख रहे हैं ऑप्शन बी ठीक है एज एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो यहाँ पे देखते हैं तीन आंसर हमारे पास हैं यानी बिलो 15 डिग्री सेल्सियस जाता है तो शार्पली क्या हो जाती है इनिबिट हो जाती है ट्यूबर की ग्रोथ एंड अब, अब थर्टी डिग्री सेल्सियस जाता है तो भी आपकी क्या हो जाती है शार्पली इनहिबिट होती है यानी बहुत अफेक्ट हो जाती है देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ठीक है थर्टी डिग्री सेल्सियस आपके माइंड में रहा होगा आई थिंक राइट रविंद्र लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो आपके माइंड में थर्टी डिग्री सेल्सियस रहा होगा बट यहाँ पे रेंज पूछी गई ठीक है अलग से पूछी गई कि आपका क्या है बिलो एंड अब मतलब इस रेंज तक आपका क्या होगा पोटैटो जो है आप क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं डिपेंड करता है उसकी जो आपकी प्रोडक्शन होगी यील्ड होगी वो फॉरचर अफेक्ट होगी क्योंकि ये सुटेबल आपका क्या है अगर आप 25 डिग्री के बाद डिग्री सेल्सियस के बाद अगर अपनी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो क्या है आपकी यील्ड आप एक्सपेक्ट कीजिए कि कम ही होने वाली है ठीक है एंड यही आपकी बिलो टेम्परेचर की बात करें ट्वेंटी एटीन टू ट्वेंटी से नीचे अगर आपका टेम्परेचर जाता है तो आपकी यील्ड अफेक्ट होने लगती है ठीक है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर रेंज उसकी सुटेबल रेंज से दूर होने लगता है ओके okay. सो so, इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू पोटैटो सीड दैट इज योर टीपीएस जरूरी नहीं है आपको ट्रू पोटैटो सीड लिखा हो मे बी वहां पे ओनली टीपीएस टेक्नोलॉजी लिखी हो और पूछा हुआ कि ये किस में किसकी किसके लिए आपकी इन्वेंट की गई किसके लिए इंट्रोड्यूस की गई क्यों की गई तो ये भी आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में आपको दूसरा क्वेश्चन भी मिल रहा है और आंसर भी मिल रहा है ठीक है ट्रू पोटैटो सी टेक्नोलॉजी पोटैटो प्रोडक्शन काट इज दीड रेट इन टीपीएस टेक्नोलॉजी फॉर पोटैटो क्रॉप जो कि इसका की एडवांटेज है की बेनिफिट जो होता है वो सीड रेट से ही होता है ठीक है इसीलिए इसका क्या है बहुत सारा इसका इकोनॉमिक हो जाता है uh,

ये आपको पता होना चाहिए किस क्रॉप के लिए है ठीक है और क्या एडवांटेजेस इसके हैं हमारे पास रविंद्र का भी आंसर आया है ए एंड एग्री ने भी लिखा है ऑप्शन ए ठीक है तो ये देखिए 150 फिफ्टी ग्राम्स टू टू हंड्रेड ग्राम्स इज योर करेक्ट आंसर ओनली वेरी गुड गाइस अलीना ने भी आंसर किया है ऑप्शन ए एंड यहाँ पे देखिए ये सीड देखिए ट्रू पोटैटो सीड कैसा होता है इतना माइन्यूट सीड होता है इससे आपका क्या एडवांटेज होते हैं घनश्याम ने भी लिखा है ए एश्वर भी लिख रहे हैं ऑप्शन ए दैट इज राइट आंसर ओनली गाइस यहाँ पे देखिए आप इतना मटेरियल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ठीक है ट्रांसप्लांट ट्रांसपोर्ट नॉट ट्रांसप्लांट ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट जो हो गई ठीक है फिर उसको आपको लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस हो गए देन उस मटेरियल को फील्ड में ले जाने के चार्जेस देन फील्ड में शो करने के चार्जेस ठीक है तो कितना इकोनॉमिक जो आपका है कितना पैसा बचा रहा है आपकी अगर आपको पोटैटो की खेती करनी है तो टू पोटैटो सीड जो है आपकी इतना ज्यादा इकोनॉमिक हो जाता है ठीक है वेरी यूजफुल वेरी बेनिफिट इसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है ठीक है Potatoes are vegetables. More specifically, potatoes are tubers, a type of root vegetable. What is the सीड रेट फॉर दोटेटो इज द साइज ऑफ द्लांटिंग मटीरियल इज लार्ज अभी हमने टीपीएस टेक्निक देखी राइट उसमें इतना माइन्यूट सीड था अभी आपसे पूछा जा रहा है अगर मटीरियल का जो साइज है पोटैटो मटीरियल जो हम सो इन करने के लिए यूज कर रहे हैं उसका जो साइज है वो लार्ज है तो उसका जो सीड रेट होगा वो कितना होगा ठीक ठीक है तो क्विंटल्स में होता है और वहां पर देखिए टीपीएस में ग्राम्स में ये चीज भी आप कंपेयर करते चलिए ठीक है एट टू ट्वेल्व क्विंटल पर हेक्टेयर टेन टू फिफ्टीन क्विंटल पर हेक्टेयर और 15 टू 20 क्विंटल पर हेक्टेयर 25 टू 30 क्विंटल पर हेक्टेयर और 60 क्विंटलस पर हेक्टेयर व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू गाइस जस्ट राइट ऑन द चैट बॉक्स ऑप्शन डी वी आर गेटिंग ऑप्शन डी फ्रॉम विष्णु अतुल रविंद्र मनीषा ऑप्शन डी रविंद्र एग्रीकोस, सच्चिदानंद संदीप सभी आंसर एज ऑप्शन डी कर रहे हैं घनश्याम अलीना हैज ऑप्शन डी ओनली ठीक है तो यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी ऑप्शन अदर ऑप्शन कुछ भी लिखा हो यू हैव टू जस्ट यू चूज यू हैव टू चूज दी ट्वेंटी फाइव टू थर्टी क्विंटल पर हेक्टर राइट right? इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है अलीना लिख रही है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी दैट इज लेट्स सी इफ इट इज करेक्ट अब अबाउट न्यू न्यूसोल Uh, and ने भी लिखा ऑप्शन डी लेट सी वट इज द राइट आंसर ओके यहाँ पे देखिए 25 फाइव टू थर्टी क्विंटल्स पर हेक्टेयर जो अलीना ने लिखा है वहां पे uh, ठीक है डिजिट उसने uh, डिजिट भी लिखी है uh, तो यहाँ पे गया है आपका 25 से 30 क्विंटल्स पर हेक्टेयर कुलदीप जो है वैभव जो है वो भी एज ऑप्शन डी लिख रहे हैं अपना जो आपका 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर है वेरी गुड गाइस दिस इज वेरी गुड कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ठीक है सीड रेट हो गया टेम्परेचर हो गया आई एम रिपीटेटिवली रेट हो गया ठीक है पीएच एंड टैम्परेचर और किसी की क्रिटिकल स्टेज है ठीक है कोई क्रिटिकल स्टेज है जैसे आपका राइस हो गया राइस में आपको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है या कितना वाटर चाहिए होता है ये सब चीजें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट एंड आपकी कोई क्रिटिकल सॉइल की नीड है या कोई क्रिटिकल प्रैक्टिस है ठीक है कोई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है इनमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और ये क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट स्कोरिंग इफ यू नो द देशर यू आर गोइंग टू स्कोर वन एंड इफ यू डू नॉट नो द देशर देन आपका वाइल्ड गेस yes रहता है ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है इन चीजों में आपको रिपीटेटिवली उनको देखते रहना चाहिए ठीक है इसकी ट्रिक ये होती है अगर आपको टेम्परेचर किसी क्रॉप के लिए याद नहीं हो रहा है तो उसका टेम्परेचर आप टेन डेज तक एटलीस्ट टेन ट्वेंटी डेज तक कॉन्टिन्यूस आप क्या कीजिए हर दिन उस टेम्परेचर को देखिए कि इस क्रॉप के लिए इतना टेम्परेचर है इस क्रॉप के लिए इतना टेम्परेचर है ठीक है फॉर श्योर आपको ट्वेंटी डेज के बाद ऑटोमेटिकली ये चीज आपकी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में ये फीड हो जाएगी ठीक है कुलदीप ने लिखा है ऑप्शन डी वैभव ने भी लिखा ऑप्शन डी तो देखिए यहाँ पे अदर्स जो है लार्ज अगर आपका जो मटेरियल साइज है तो आपका 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर रहता है ठीक है and, uh, क्या है एंड क्या मीडियम अगर आपका है प्लांटिंग मटेरियल साइज जो है देन आपका रहता है 50 से 20 15 से 20 एंड दस uh, से पंद्रह क्विंटल पर हेक्टेयर अगर स्मॉल मटीरियल uh, है आपका स्मॉल जो है आपका साइज है मटेरियल का प्लांटिंग मटेरियल का आठ से बारह क्विंटल पर हेक्टेयर रहता है आपका दिस क्टेयर आउट ट्यूबर्स है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटैटोज ग्रो बेस्ट इन रीजन वेयर देयर इज अ टेम्परेट क्लाइमेट विथ कूल ग्रोइंग वेदर एम्पल रेनफॉल एंड डीप फर्टाइल सॉइल ये बता रहा है कि आपका जो पोटैटोज़ uh, है वो बेस्ट ग्रो होते हैं किस रीजन में जहाँ पे आपका टेम्परेट क्लाइमेट uh, होता है एंड एम्पल रेनफॉल होता है एंड डीप फर्टाइल सॉइल होती है ये बेस्ट सुटेड कंडीशन है फॉर ग्रोइंग पोटैटोज वट इज दाइम प्रेफर्ड इन द्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया फॉर मेन क्रॉप जनवरी अक्टूबर जून मे नान ठीक है तो आप इसका आंसर दीजिए अकॉर्डिंग टू यू वट एवर दी राइट आंसर एंड यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है क्वेश्चन मैम आई है आपको uh, जो भी कंफ्यूजन है ऑप्शन बी यानी ऑक्टूबर ठीक है विष्णु द ग्रेट लिख रहे हैं ऑप्शन बी, है? uh, बी ठीक है एंड uh, रविंद्र अतुल मनीषा ईश्वर हरप्रीत रूपेश संदीप एंड अलीना अलीना ने लिखा अक्टूबर दैट इज ऑप्शन बी ओके लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर घनश्याम ने लिखा है ऑप्शन बी कुलदीप भी लिख रहे हैं ऑप्शन बी दैट इज योर करेक्ट आंसर ओनली वेरी गुड तो आपको क्या है आपके कंफ्यूजन जो है वो क्लियर uh, हो रहे हैं एंड आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर हो रहे हैं जिससे आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो रहा है वेरी गुड सो यहां पे आपका जो मेन क्रॉप है ठीक है मेन क्रॉप के लिए आपका जो सीजन रहता है दैट इज योर 10 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर उसके बाद वो लेट सोइंग क्रॉप हो जाती है आपकी लेट क्रॉप होती है आपकी ट्वेंटी अक्टूबर टू टेन नवम्बर तक ठीक है नेक्स्ट इज पोटैटो स्टोरेज Serves two purposes. It makes possible a longer marketing period for the crop and it ensures. the minimum amount of loss from moisture and decay what is the preferred storage temperature for potato tubers yahan pe aap se aapko bataya ja raha hai ki jo potato storage serve karte hain wo two purpose serve hota hai unka ye possible karte hain jo aapki potato store kiya jata hai एक तो वो marketing के लिए longer period के लिए आपके रहे थी कि अवेलेबल मार्केट में supply उनकी बनी रहे and also जो minimum amount है loss uh, because of moisture decay, moisture and decay से होता है जो उनको वो भी उनका कम ठीक है तो क्या टेम्परेचर प्रेफर्ड रहता है फॉर स्टोरेज जो हम करते हैं पोटैटो ट्यूबर्स की वो यहाँ पे पूछ रहा है ठीक है 8 टू 14 डिग्री सेल्सियस 12 टू 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस 4 टू 7 डिग्री सेल्सियस नन सो अकॉर्डिंग टू यू वट एवर द राइट आंसर जस्ट राइट ऑन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो इफ यू हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट इट और नॉट सो so, विष्णु लिख रहे हैं ऑप्शन डी ठीक है ईश्वर लिख रहे हैं ऑप्शन बी एंड सचिदानंद लिख रहे हैं ऑप्शन सी सो वी हैव थ्री आंसर्स एंड रविंद्र लिख रहे हैं बी मनीषा ने लिखा है ए, एग्रीकोस अतुल रूपेश भारद्वाज लिख रहे हैं ऑप्शन ए ठीक है तो ए मेजोरिटी आ रहा है अभी हमारे पास जो आंसर है कुलदीप लिख रहे हैं ऑप्शन बी ठीक है बी पे भी बेडिंग हो रही है ओके एनी अदर आंसर तो चार आंसर हमारे पास यहाँ पे है ठीक है आई एम रविंद्र आई एम कंफ्यूज दैट इज ऑल राइट वी आर हेड टू क्लियर योर कंफ्यूजन रविंद्र सो यहाँ पे uh, देखेंगे इसका राइट right आंसर क्या है नो वरी राइट आंसर इज फोर टू सेवन डिग्री सेल्सियस ठीक है यहाँ पे कंफ्यूजन आपको रहते हैं देखा देखिए मैंने आपको बताया टेम्परेचर में ठीक है टेम्परेचर में हरप्रीत कंफ्यूज दैट इज ऑल राइट ठीक है कंफ्यूजन आपको इसलिए होता है क्योंकि आप अदर क्रॉप्स के भी पढ़ते हैं आपके पीज हो गए ठीक है जिनका फ्रोजन आपका होता है टेम्परेचर वहाँ पे माइनस टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे आपको जो पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं वो uh, रखे जाते हैं स्टोरेज uh, करने के लिए फोर टू सेवन डिग्री सेल्सियस पे ठीक है इज इजर एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग क्या आपको इस टेम्परेचर में कोई कन्फ्यूजन है या आपको लगता है कि ये सही नहीं है फोर टू सेवन डिग्री सेल्सियस या मोहम्मद ऑप्शन सी फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस ओके टेम्परेचर का एक्चुअली में होता क्या है देखिए टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी इंपॉर्टेंट होती है और uh, uh, मुझे यही लगा था तो हरप्रीत आपका जो वाइल्ड गैस होगा वो सही हो जाएगा वहां पे एग्जाम uh, के टाइम पे होपफुली ठीक है ऑल द बेस्ट फॉर दिस आउट ट्यूबर्स मीन होता है कि जो आपके अदर साइज होते हैं जिनको आप ना मीडियम बोल रहे हैं ना स्मॉल बोल रहे हैं ना लार्ज बोल रहे हैं थोड़े इसमें mix -up से हो जाते हैं ठीक है ओके मैम नॉट वर्किंग माई कॉम एंड चैट प्रॉपरली मोहम्मद लिख रहे हैं सो मोहम्मद यू कैन ज्वाइन दी सेशन अगेन जस्ट क्लोज योर ऐप ओके क्लोज दी दूट्यूब एंड देन स्टार्ट इट अगेन अभी ने लिखा है ऑप्शन डी मोहम्मद ने लिखा है ऑप्शन डी ठीक है तो फोर टू सेवन डिग्री सेल्सियस ये आपका राइट आंसर है यहाँ पे आपके पास जब स्टोरेज की बात आती है किसी भी आप क्रॉप के स्टोर कर रहे हैं ठीक है थीके? उसमें रिलेटिव यूमिडिटी एंड टेम्परेचर होता है मे ठीक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखी जाती है कि कितनी ह्यूमिडिटी तक जो आपका क्रॉप है वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको स्टोर किया जा सकता है जिससे कि उसमें फंगस ना लगे या कोई डिजीज ना लगे क्योंकि आपके जब मॉइस्चर आते हैं तो फंगस या ऐसे डिजीज जो होती है आपने पढ़ी होंगी एंटेमोलॉजी में ठीक है एंड uh, पैथोलॉजी में तो उसमें क्या होता है मॉइस्चर की वजह से ही तो मेन जो रीजन होता है वो आपके क्या होती है डिजीज डेवलप होती है ठीक है और टेम्परेचर uh, की वजह से ठीक है तो यही आपके दो मेन क्राइटेरिया है जो स्टोरेज के टाइम पे आपके

जो परसेंटेज ऑफ फ्लावर्स है ठीक है हंड्रेड अगर पॉट्स हंड्रेड आपके फ्लावर्स हैं एक प्लांट में ठीक है तो उसमें से कितने फ्लावर्स के आगे जाके पॉट सेट होंगे इसका क्या रेशियो रहता है ठीक है ये पूछा जा रहा है तो ऑप्शन में आपके पास है ओनली टेन परसेंट ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ऑल फ्लावर्स सेट एज पॉट मैम आपकी क्लास रेगुलर किस टाइम पर चलती है रविंद्र पूछ रहे हैं एंड ये आपकी जो यूट्यूब पर लाइव है दैट इज एट सेवन फिफ्टीन पी एम ओनली मोहम्मद यस मैम ओके युग दुबे लिख रहे हैं ऑप्शन बी देट इज यू थर्टी परसेंट मोहम्मद भी लिख रहे है ऑप्शन बी एंड वी हैव एग्री कोस का आंसर एज ऑप्शन सी विथ क्वेश्चन मार्क यानी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है ईश्वर लिख रहे हैं ऑप्शन बी सचिदानंद लिख रहे हैं ऑप्शन सी एंड मनीषा लिख रही है ऑप्शन बी सो बी और सी में कन्फ्यूज है ठीक है चलिए देखते हैं विष्णु लिख रहे हैं ऑप्शन बी रूपेश लिख रहे हैं ऑप्शन बी तो बी और सी में आपको कन्फ्यूजन है एंड हरप्रीत लिख रहे हैं ऑप्शन बी लेट सी वॉट इज द राइट आंसर जिससे पहले की आपका कंफ्यूजन जो है आ, और ज्यादा बढ़े कुलदीप लिख रहे हैं ऑप्शन बी ठीक है जो आपका राइट right आंसर है ठीक है फोर्टी परसेंट नहीं होता अगर आपने देखा होगा ठीक है देखा होगा यानी कि आपने सभी ने छोले खाए होंगे राइट तो आपने ये देखा होगा कि इसमें क्या होता है जो आपका चिकपी होता है इसका प्रोडक्शन जो होता है काफी अच्छा रहता है कम नहीं रहता है ठीक है बावजूद इसके भी कि इसमें ओनली अगर आपके हंड्रेड पॉट्स जो हंड्रेड नॉट पॉट्स हंड्रेड फ्लावर्स हैं उसके भी जो आपकी पॉट सेट्स होती हैं हंड्रेड फ्लावर्स में से ओनली ट्वेंटी टू थर्टी ही करेंगे ठीक है ट्वेंटी टू थर्टी पॉट्स आपके पास एज अ रिजल्ट आएंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या है फिर भी इसका प्रोडक्शन काफी अच्छा रहता है कंजप्शन के लिए कस्टमर के या हमारी हम बात करें तो काफी अच्छा क्या रहता है प्रोडक्शन रहता है इसका तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन अच्छा है फिर बावजूद इसके भी कि इसमें जो पॉट सेट्स होती है वो इतनी कम होती है ओनली ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट ही जो आपकी फ्लावर्स होते हैं वो आपके पॉट सेट करते हैं आगे जाके ठीक है मैम आप इग्रॉमी पढ़ाती हैं यस इग्रॉमी की क्लासेस आई हैव कंडक्टेड इग्रनॉमी क्लासेस फॉरेस्ट्री की क्लासेस एंड यू कैन फाइंड इट ऑन आवर गुरुकुल एग्री एप ठीक है वहाँ पे हर एजुकेटर जो भी आपको क्लास uh, करवाते हैं वहाँ पे उनका uh, सारी इंफॉर्मेशन है यू कैन कॉल ऑन आवर ऑफिशियल नंबर ऑल्सो यू कैन आस्क दैन कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है यू कैन कॉल एट आवर ऑफिशियल नंबर ओके, okay. सो so, ये था आपका यूट्यूब लाइव से, लाइव सेशन आज का आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे जो सेशन है ठीक है आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग एवरी क्रॉप आपकी आप अपनी प्रिपरेशन भी जज कर रहे होंगे ठीक है कि मेरी प्रिपरेशन किस सब्जेक्ट में कैसी चल रही है ओके okay. सो मोहम्मद टिल नाउ माई सेवेंथ क्वेश्चन आर करेक्ट वेरी गुड वेरी गुड मोहम्मद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन की आपकी प्रेपरेशन जो है अच्छी चल रही है सी गई आपकी प्रेपरेशन आपसे ज्यादा और कोई जज नहीं कर सकता कि आपको किस फील्ड में क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आप खुद से ज्यादा uh, मतलब किसी से आप फीडबैक uh, नहीं ले सकते हैं उस चीज का ठीक है तो खुद को असेस कीजिए क्वेश्चन के आंसर कीजिए एंड यहाँ पे एक्टिव रहिए आपके लिए बेनिफिट होगा ठीक है मैम फ्री में यूट्यूब अच्छा फ्री में यूट्यूब क्लास के आप पूछ रहे हैं तो ये सेवन फिफ्टीन uh, में ही आपकी स्टार्ट होती है एंड मंडे इज माई क्लास ओके मंडे को जो है वो मेरी क्लास रहती है यूट्यूब पे मेरा सेशन चलता है ओके okay. युग uh, uh, आप लेट थे दैट इज ऑल राइट नेक्स्ट टाइम आप टाइम पे रहिएगा तो आप भी अपने आंसर जो होंगे आपके लिखिएगा कि आपके इतने आंसर सही हुए हैं दैट विल बी अ वेरी गुड क्योंकि क्या होता है आप खुद की प्रिपरेशन जज करेंगे तो आपको uh, क्या मिलेगी एक uh, एक आपको फील मिलेगा एक आपकी अप्रोच होगी कि मुझे आप किस तरीके से अब नेक्स्ट क्या करना है स्टेप लेना है ठीक है नेक्स्ट स्टेप के लिए आपका पाथ uh, बन जाता है

ठीक है सो हैव अ गुड नाइट गाइड एंड टेक केयर